हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में बात करें कि स्नैपचैट का पासवर्ड चेंज कैसे करें विदाउट करंट पासवर्ड। आपके स्नैपचैट अकाउंट का क्या पासवर्ड है आपको नहीं पता, ध्यान से समझना मेरी बात को। अभी आपके स्नैपचैट अकाउंट का क्या पासवर्ड है आपको नहीं पता है, फिर भी आप अपने स्नैपचैट का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। जो भी आप नया पासवर्ड बनाना चाहते हो आसानी से बना सकते हो। कैसे बनाओगे, कैसे चेंज करोगे विदाउट करंट पासवर्ड, छोटा सा प्रोसेस होगा, छोटी सी वीडियो, तो बस वीडियो पूरा एंड तक देखना। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करते हैं, और अगर चैनल अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस की कि पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, आप स्नैपचैट का पासवर्ड चेंज कैसे करोगे विदाउट करंट पासवर्ड। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना स्नैपचैट एप्लीकेशन ओपन करना होगा। अपना एप्लीकेशन तो देख सकते हैं, मैंने अपना एप्लीकेशन ओपन कर लिया। मैं अपने होम पेज पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया क्योंकि मेरे मोबाइल का कैमरा खराब हो चुका है, इसके लिए दोस्तों सॉरी। और मेरा मोबाइल का कैमरा खराब है इसलिए आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको मैं जो भी समझाऊं आपको अच्छे तरीके से समझना है। आपने अपना स्नैपचैट एप्लीकेशन ओपन कर लिया है, अब आपको क्या करना है, ऊपर के साइड में आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देगा। प्रोफाइल का सिंपल वे आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जैसे आप अपने प्रोफाइल पर क्लिक करोगे, देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, देखो ऊपर के साइड में आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, ये वाला सेटिंग्स का ऑप्शन। सिंपल वे आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। सेटिंग्स के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपके कुछ पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगे, आप स्क्रॉल करेंगे ऊपर की साइड में, आपको इसको स्क्रॉल करना है कुछ इस प्रकार से। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको स्क्रॉल कर दिया। स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पासवर्ड, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पासवर्ड। ध्यान से देख लेना, ध्यान से समझना, छोटी सी मिस्टेक मत करना। यहाँ पर आपको पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इसी की मदद से आप अपने स्नैपचैट अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप पासवर्ड पर क्लिक करोगे, अब देखो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा सेट टू न्यू पासवर्ड, प्लेस एंटर योर करंट पासवर्ड। यानी आप यहाँ से अपने स्नैपचैट अकाउंट का पासवर्ड नया बना सकते हो, पासवर्ड चेंज कर सकते हो। लेकिन उसके लिए यहाँ पर आपको अपना करंट पासवर्ड डालना पड़ेगा। जो भी आपका भी पुराना पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा नया पासवर्ड बनाने के लिए। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि विदाउट करंट पासवर्ड, हमको पुराना पासवर्ड नहीं पता है, इसके बिना हमको नया पासवर्ड बनाना है। तो वो कैसे बनाओगे, ध्यान समझना। उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फॉरगेट योर पासवर्ड का आपको ऑप्शन मिलेगा। सिंपल वे आपको इस पर क्लिक करना है, फॉरगेट योर पासवर्ड। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो आपके सामने फिर ये इंटरफेस दिखाई देगा। जब भी आप स्नैपचैट अकाउंट बनाते हैं तो आपको इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है, ईमेल आईडी और ये फोन नंबर, दोनों चीज आपकी लगती हो, 100% लगी हुई होंगी। तो आपके पास अभी फिलहाल में प्रेजेंट में क्या है, मोबाइल नंबर है ये वो वाला, या फिर वो वाली ईमेल आईडी है जो आपकी लगी है। मेरे पास तो अभी दोनों चीज है, आपके पास जो भी हो तो आप उससे इसका पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हो। कैसे करोगे, जैसे कि आपके पास मोबाइल नंबर है तो आपको मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, बाय मोबाइल। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब देखो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर आ जाएगा जो कि आपके स्नैपचैट अकाउंट में लगा हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना, नीचे आपको वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है, वेरीफाई पर। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करोगे, अब देखो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा जिसकी मदद से आप नया पासवर्ड बना सकते हो। अगर आप चाहें तो ओटीपी भी मंगा सकते हैं, डायरेक्ट कॉल भी करवा सकते हैं। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि ओटीपी आए जिससे कि वीडियो शूट होने में दिक्कत ना हो, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा सेंड बाय एसएमएस। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो देखो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज जाएगा, ओटीपी आ भी चुका है, डल चुका है, ऑटोमेटिक हो जाएगा सब काम। ओटीपी आ भी चुका है, डल चुका है। अब देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा न्यू पासवर्ड, कंफर्म न्यू पासवर्ड। इस जगह से आप अपना पासवर्ड नया वाला जो भी आप बनाना चाह रहे हो आसानी से बना सकते हैं। अब आपको पुराना पासवर्ड करंट पासवर्ड डालने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन आ चुका है न्यू पासवर्ड। आप यहाँ पर नया डालेंगे और उसको कंफर्म करने के लिए फिर से यहाँ पर यही वाला पासवर्ड डाल देंगे, उसके बाद आप डन कर देंगे तो आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। जो भी आप नया पासवर्ड बनाना चाहें आसानी से यहाँ से सेट कर सकते हैं विदाउट करंट पासवर्ड। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।